नमस्कार, मैं हूं तुषार उप्रेती और मेरे साथ बात करने के लिए है एक बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म मेकर, नाम है आकाशदित्य लांबा। और आज इनके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डे है क्योंकि इनकी फिल्म जो है तौबा तेरा जलवा वो रिलीज़ हुई है। और ये मेरा सौभाग्य है कि इनको देश का मीडिया ढूंढ रहा है और ये मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं। तो आकाश भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। एक तो वो जो सबसे बेसिक सवाल होता है ना, जो हर पत्रकार आपसे पूछता है, मैं वो पूछूंगा कि आपको कैसा लग रहा है, आपकी पिक्चर आज रिलीज हो रही है, रिव्यूज आप रिसीव कर रहे हैं जो बढ़िया है। और क्या, अनुगच्छेतु प्रवाह मेरे फिल्म का लास्ट डायलॉग है, अनुगच्छेतु प्रवाह, गो विद द फ्लो। तो ठीक है, वो फिल्म हमने बहुत इन्जॉय किया शूटिंग करते थे, ये है, और सोचा नहीं था, और अब ये शूटिंग कर रहा हूँ इसको इन्जॉय कर रहा हूँ, तब तक वो रिलीज़ हो रही है, तो मैंने सोचा था नहीं कि इसके बीच दोनों क्लैश होगा, बट यहाँ कमिटमेंट है तो यहाँ हूँ। और वो फिल्म मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, उसको प्रोड्यूसर्स रिलीज़ किए हैं और बढ़िया, बहुत मज़ा आ रहा है। क्रिटिक्स जो है, कुछ क्रिटिक्स बहुत अच्छा दे रहे हैं, 3.5 स्टार दे रहे हैं, कुछ क्रिटिक्स 1.5 स्टार भी दे रहे हैं, तो वो भी मैं इन्जॉय कर रहा हूँ। इट इज़ पार्ट ऑफ ट्रेड। हाँ, पार्ट ऑफ ट्रेड। हाँ, कुछ लोगों का सबसे बड़ा जो है, एक बड़ा हसीन सा इल्ज़ाम लगा मुझ पर कि मैं मिसोजिनिस्ट हूँ। मैं तो इस टर्म को ज़्यादा जानता भी नहीं था, कि बाद में पता चला कि जो महिलाओं से नफरत करता है, नारियों से नफरत करता है, लड़कियों से नफरत करता है, उसे मिसोजिनिस्ट कहते हैं। तो कई लोग क्रिटिक्स कह रहे हैं कि मैं मिसोजिनिस्ट हूँ, बट ऐसा नहीं है। फिल्म तो देख रहे हो तो लड़कियाँ ज़्यादा हंस रही है, शायद उनको जब हॉल में लड़कियाँ हंस रही है फिल्म देखकर, लड़कियों को एंजॉय कर रहा है, या टीनेजर्स लड़कियाँ बहुत एंजॉय कर रही है, तो शायद उनको देख के पता नहीं कुछ लोगों को लग रहा होगा। तो ठीक है, मिसोजिनिस्ट ये अच्छा, जितना आपको हम लोग जाने उसमें ये कि आपकी यात्रा बड़ी ना लगातार चलती रही, बीच में काफ़ी संघर्ष का दौर भी आपने जो है देखा। तो जब कोई ऐसी फिल्म रिलीज़ होती है तो जो आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनसे आपको कैसे संदेश आते हैं, या आप कुछ ऐसा कोई एक संदेश बताइए जिसको पढ़ के आपको लगा कि हाँ, आगे के लिए आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। नहीं, जैसे मेरे एक मित्र है, मैं नाम लेके बता रहा हूँ, अतुल गंगवार जी, उन्होंने कल रात को एक बड़ी कमाल की बात कही। उन्होंने कहा, देखिए आपकी फिल्म तो अच्छी है, आपकी फिल्म इससे जो है आपको काम बहुत मिलेंगे, लेकिन आप मॉडेस्ट रहना इसके बारे में। ये एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। मतलब बहुत लोगों ने, सब तो अच्छी बात है, सभी कह रहे हैं, लेकिन जो एक मित्र होने के नाते, बड़ा भाई होने के नाते, उन्होंने जो जिस तरह से ये बात कही ना कि मॉडेस्ट रहना, ये बिल्कुल है। क्योंकि ठीक है, आज मेरे खुशी है, हमने जितना अपेक्षा की थी, हमें इस फिल्म से वैसे कोई अपेक्षा नहीं रहेगी थी, क्योंकि कोविड की वजह से और ये सब की डिले हो गई फिल्म, हमें लगा था शायद रिलीज़ भी नहीं होगी, और रिलीज़ हो रही है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन ये है कि इसमें अहंकार सरना चढ़ जाए, ये है, तो आपके पास आसपास जब अच्छे लोग होते हैं वो आपको सही सलाह देते हैं, आप गलत करने से बचते हैं। तो उनकी जो रात को मुझे, उन्होंने 1 बजे ये बात कही रात को, कल रात फिल्म देखने के बाद दिल्ली में स्पेशल स्क्रीनिंग थी और वहाँ से उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। अच्छा, दूसरी एक जो सबसे मेन दिमाग में एक जो सवाल आता है वो ये आता है कि आपने फिल्म मेकिंग जिस तरह से की, आपकी पहले भी फिल्म थी उसको लेके भी लोगों ने अलग अलग किस्म की राय बनाई, ये भी बना, लेकिन आपने किस भावना को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म का निर्माण किया या इसको बनाया? देखिए, क्या होता है ना, जो इश्क होता है, हम सब जीवन में कभी ना कभी, मैं प्यार होता है, इश्क होता है, होते रहता है कई बार प्रॉब्लम, तो वो इश्क का जो प्रॉब्लम है, जो अपना प्रॉब्लम क्या है, वो तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है। तो इश्क हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, मोहब्बत हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर आपको जो प्यार होता है, मतलब हमने तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों का सुना है कि उन्होंने प्यार में धोखा खाने के बाद, या प्यार जिससे वो प्रेम करते थे, उन्होंने उनको कोई ऐसी बात कह दी जिससे उसका जीवन परिवर्तन। यही है कि प्रेम में जो है, अलग अलग लोगों का जो है अपना अलग अलग अनुभव होता है। प्रेम जो है आपको बहुत अच्छा इंसान बना सकता है, बहुत बुरा इंसान बना सकता है, लेकिन प्रेम तो होता ही, हम सबको होता है जीवन में, और उसका असर होता है हमारे जीवन पर, माने या ना माने, उसका असर हमेशा रहता है, हर इंसान पर कुछ ना कुछ असर होता है। हमने तो इतिहास में पढ़ा है, हमने तुलसीदास जी की कहानी सुनी है, हमने विश्वामित्र जी की कहानी सुनी है, ऐसे कई है, ऐसे महिलाओं के साथ भी हुआ होगा, होता है, हमने वो भी कहानियाँ सुनी है। तो ये महत्वपूर्ण है कि उसका क्या होता है, तो लोगों को अलग अलग देखने का नज़रिया है। मैं भी बड़ी, अगली जो मेरी फिल्म आ रही है मिलन होगा तब जा रहे, वो प्रेम का जो है बहुत गंभीर है, पीरियड ड्रामा है, उसमें गंभीरता से दिखाया। इसमें प्रेम को मैंने थोड़ा मजाक किया, और उसका एक है फिलोसफी है प्यार की, लेकिन उसको हमने बहुत ही, जो आज का यूथ है, आज का टीनेजर है, वो रिलेट कर सकता है, तो उनके हिसाब से वो फिल्म को मैंने बनाई है। अच्छा, एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है वो ये कि जिस तरह से आपने इसमें कास्टिंग की है, कास्टिंग का क्या अहम रोल रहा है? अमीषा जी इसमें है, उनकी लास्ट फिल्म जो थी बहुत मेगा सुपर हिट थी जी, तो अमीषा जी के अलावा भी जो कास्टिंग है उसको कैसे आपने फाइनलाइज किया? उसमें बेसिकली मैं हमेशा जो कास्टिंग में देखता हूँ कि क्या ये इंसान हमारे जो मैं जो मेरे कैरेक्टर है उससे नज़दीक है क्या, जैसे वो रिंकू कुमारी लड़की है जो उसमें, वो एंजेला किन्ज़ली ने किया है,
वो जो है लड़की को जो मैंने नरेशन दिया कहानी सुनाया वो वहीं पे हंस हंस के लोटपोट हो रही थी। हम लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे थे और वहाँ पे हमने बैठ के उसको मैंने कहानी सुनाई, वो हंस हंस के लोटपोट हो रही थी। तो मैं समझ गया कि ये परफेक्ट लड़की है उस रोल के लिए, क्योंकि वो उसके चेहरे पर वही एक्सप्रेशन आ रहे थे जो मैं चाह रहा था कैमरे के, मैं कैमरे बन के उसके एक्सप्रेशन देख रहा था। तो उसको वैसा कास्ट किया। जो रोमी त्यागी है वो रियल लाइफ में भी वैसे जैसे कैरेक्टर है वैसे ही है, वो है ना बिल्कुल उसी तरह का है, ओवर चार्ज ओवर इमोशनल। तो वो भी तो आप अगर अगर आप एक तो होते हैं कि एक बहुत महान एक्टर्स होते हैं जो हर तरह के कैरेक्टर में ढल जाते हैं, महान डायरेक्टर्स होते हैं जो किसी से भी कमाल की एक्टिंग करवा लेते हैं, एक थोड़ा मेरे जैसे कम टैलेंटेड होते हैं जो ढूंढते हैं कि जो रियल टू कैरेक्टर है, जो हम क्या सोच रहे हैं उससे रियलिटी से, जो हमारे कैरेक्टर से रियल में ही अगर वो ऐसा है आसपास है तो हमारे लिए काम आसान हो जाता है। तो मैं इस तरह करता हूँ। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने फिल्म नहीं देखी है वो जाके फिल्म ज़रूर देखें, इन्जॉय करेंगे ऐसा पूरा विश्वास है। थैंक यू। नमस्कार सर।